अरे कहाँ है महारानी, नेक बाहर निकलिया, तेने तो मेरे जन्म में थुका रखा है ना, कहीं रहन देगी ना रहन देगी मुझे? क्या इस गांव में किसी के सामने सर उठाने लायक छोड़ेगी ना छोड़ेगी? अरे ये बता तो मुझे, मैं तो अच्छी पछताई, मैंने खूब बहू रानी लेके आई अपने घर के लिए, बहू ना है कुल अच्छे नहीं आई है कुल अच्छे नहीं। अरे तो क्या कमी है मेरे अंदर? कमी? अरे खासियत ही कौन सी है तेरे अंदर, ये बता पहले। तूने तेरी गांव में इतनी शिकायत आती है, अरे मोहल्ले की और बहुएं ना है, और बहुएं की तरह नहीं रहा जावे तुझ पे है? शिकायत? तू ये परी उतर के आई है आसमान से? भगवान भगवान कर रही है ना, घर का कोई काम करे, बस मुखड़े को दिखाती रहकर आदमियों को है। क्या बके जा रही हो तुम? क्या बके जा रही हूँ मैं? तेरी शिकायतें इतनी आती हैं कि मेरा ना घर में से निकलना दुर्लभ हो गया है। किस चीज की शिकायतें आती हैं? शिकायतें इस चीज की आती हैं कि तू आए दिन गांव के लौंडों से क्यों बतराती है तू है? और रड़ुआ भड़ुओं से क्यों बतराती है? क्या मतलब है, तू बहू है बहू की तरह है? कौन कर रहा है बातें? तू बतलाती है तू, और कौन मैं? ना मैं बतलाती हूँ, मुझे तो वैसी टाइम नहीं है। मैं किसी से ना बात करती हूँ ना किसी से चीत करती हूँ, और कोई शायद मेरा दुश्मन बना बैठा हो जो तुम्हें भड़काता हो तो मुझे पता नहीं। हाँ सारे दुश्मन तेरे ही हैं इस गांव में, तूने सबका माल मार के बैठी है, तूने सबकी प्रॉपर्टी नाम करा ली है, तू ही एक सुंदरी है जो तेरी दुश्मन है, सब तुझसे ब्याह करना चाहे। देखो किसी को बिगड़ जाने पूछे तुम इतना क्यों भड़क रही हो मेरे ऊपर? अरे मैं तुझे जानू बहुत अच्छी तरीके से जानू, समझ में आ गई ना? जाके इसका मतलब ये ना है कि वो क्या कहते हैं, तुमने मुझे बात करती हो देखा किसी से? हाँ देखा नहीं, वो हरिया बता रहा था मुझे। बताने से क्या होता है? बताने से तो बहुत कुछ होता है, चार आदमियों में बता रहा था वो कि तुम्हारी बहू उससे बतला रही थी, उससे बतला रही थी। अगर वो हरिया ये बोल दे कि तुम्हारी जिठानी वो उस लड़के से बात कर रही थी तो क्या मैं मान लूंगी? भैया वो कह रहा था। नहीं मैं भी मान लूंगी फिर तो, मैं भी ये कहूंगी। अरे ऐसे कैसे मान लेगी मैं उसे, मैं ऐसी हूँ नहीं पहली बात तो, और मैं भी ऐसी नहीं हूँ। जब तू मान लिया तो, जब तू ऐसी है ही नहीं तो फिर तेरे बारे में बातें क्यों बन रही? हमारे बारे में तो नहीं बनी आज तक बातें, देखते हैं आगे तुम्हारे बारे में भी बात होती है नहीं। मेरे बारे में ना बनने वाली है, मुझे 30 साल हो गई, आगे भी पता चले 30 साल हो गई मैं इस गाँव में रहते रहते। जाके वो तसला उठा के ला और बैगन तोड़ के ला वहाँ से, और सब्जी बनानी है शाम को, बैगन का भरता बनाना है आज। ठीक है जा जल्दी जा, काम चोर कहीं की, बस खब्बा लो और लोंडो से बात करवा लो, आप शांति भी हो जाओगी। लो तसला, जा तू। मैं जाऊँ? और कौन जाएगा, तेरी अम्मा या मैं? मुझे जाना पड़ेगा। और सुन जल्दी आइयो, किसी से बात करने की कोई जरूरत ना है, और इसे ऐसे करके जाइयो ठीक है ना? जा चल निकल के, मैं अच्छी लेके आई इस नाखंदी को। विश्व सुंदरी चली आ रही है भाई साहब पर्दे में, क्या बात है, राजस्थानी गेटअप बना रखा है, और इस गांव में आज से पहले तो कभी देखा नहीं। बात करके देखता हूँ उनसे। अजी पटेल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कौन हो तुम? बड़ी कड़क आवाज कर रही है तुम्हारी, क्यों और क्या नरम निकलेगी? नहीं मेरा मतलब ये है कि पटेल साहब ने तमचिया कर दी क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब था इनकी चाय। पटेल साहब मुझे क्यों मारेंगे? अरे बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। हाँ प्यार करते हैं। अच्छा बेटी एक बात बताओ, तुम इस गांव में रहती हो क्या? नहीं और क्या, दूसरे गांव में रहती हूँ। मैं पूछ रहा था, मैं रहता तो मैं भी इस गांव में हूँ, पहले मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। इस गांव में काम करती फिर रही हूँ, और क्या दूसरे गांव से यहाँ काम करने आऊंगी क्या? नहीं मेरा मतलब था मैंने कि तुम इस गांव में। अच्छा ये बताओ किसके घर में से हो तुम और किसकी पत्नी हो? तुम्हें क्या करना, मैं किसकी पत्नी हूँ, किसके घर में से हूँ? अजी पटेल बता दो कौन हो, किसके घर में से हो? वो कलुआ को जानते हो? कलुआ? हाँ तो कलुआ कौन है तुम्हारा पति? एक बात सुनो, चीजें याद आया कि तुम कौन से कलुआ की वो हो तुम, बीबी हो जो बताओ, क्या काम करते हैं तुम्हारे? ऊंट वाले हैं। हाँ ऊंट वाले, अच्छा ऊंट वाले कलुआ की बीवी हो तुम, पहचान लिया? बताओ यार तुम कि अच्छा एक बार गांव में रहते हो ये नहीं पता कौन किसकी बीवी है? नहीं मुझे क्या पता, देखो ऐसा है कि मैं तो 10 जगह देखता हूँ, 1 जगह ही भूलता हूँ, तो तुम्हें पता है भूल से पड़ी जाती है। अच्छा सुनो, नहीं कुछ गप सप लड़ाने के लिए भी अनजान जानबूझ के अनजान भी बन जाते हैं। नहीं नहीं देखो ऐसा है कि तुमने भी मुझे पहली बार ही देखा होगा, तो ऐसा है मैं एक बात कहूँ तुम, तो तुम जैसे लोगों से मतलब नहीं रखते, अपना काम करने जाते हैं, काम करके सीधा अपने घर जाते हैं। अरे मुझे पता है पटेलन, लेकिन जी घूंघट ने ऊपर करके तो दिखा, क्यों नहीं चेहरा दिखा दो अपना, नहीं घूंघट क्यों उठवाना है ये बता। नहीं बोल, इसलिए मैं बताऊं क्या है कि अब आज अगर मैं तुमको देख लूंगा तुम्हारा चेहरा, तो आगे तक मुझे वो चेहरा याद रहेगा, तुम निकलोगी तो कोई वो नहीं है। देखो हाँ
अब आगे बात चेहरे पे। तो चेहरा हम फ्री फंड में किसी को दिखाते नहीं, पहली बात ये। फ्री फंड का मतलब? फ्री फंड का मतलब बिगर मुंह दिखाई। हाँ अच्छा, ना बोला मुंह दिखाई, पकड़ो ना, लट पकड़ना मेरा, पकड़ो। अरे पकड़ो तो सही, पकड़ो। अच्छा तुम पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो रही हो। लो पकड़ो। क्या दे रहे हो, तुम्हें मैं बच्ची नजर आती हूँ क्या? तो क्या तुम, क्या तुम्हारे बुरा, मैं अपना लट्ठी पकड़ो और निकल वर्ष वहां से। अरे सुनो सुनो, निकलो निकलो, पटेलन रुको, नाराज क्यों हो रही पटेलन? लो चलो, इतने तो सही है, लो पकड़ो। नहीं इतने से बच्चे बेलते हैं, मैं नहीं। तो कितना लोगी, वह जान लोगी हमारी? अरे मेरे पति ने सोने की अंगूठी दी थी, तो भैया दिखरौनी में। हम पे तो नहीं है सोने की अंगूठी। तुम गांव के हो तो मेरे देवर लगे। हाँ। सोने की नहीं तो चांदी की दे दो। तो भाभी सुनो, तो चांदी की नहीं दे पाए तो तुम्हारे पैसे तो दे ही रहे हैं। हाँ तो पटेल ना बताओ, आप अपने बात पे आओ, सीधे सीधे बैच बात। अच्छा, सीधे सीधे लाओ, इसे मेरे हाथ पे रखो। क्या सारे पूरी गड्डी? हाँ। अरे पटेल ने हमारे लिए छोड़ दो एक दो नोट। क्यों छोड़ दे? क्यों छोड़ दे पहले? अरे गुटखा पानी खा लेंगे, दस दे दो। देखो मेरा सामान गिर जाएगा, इतना हता पारी मत करो। ठीक है पैसे तो आ चुके, अब ऐसा करो ये मेरा सामान अपने पकड़ो, इसको पकड़ो। छोड़ो, अरे मेरे बैंगन तो सही, बैंगन रखे हैं, बैंगन गिरेंगे नहीं। हाँ छोड़ो ना, जाए बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं गिरेंगे बैंगन। हाँ गड्डी का गिरा रही हो, क्या बात है पटेल, मुझे लगता तुम कमजोर हो गई हो। गड्डी गिरेगी नहीं, अभी रुक जाओ तुम, फटाफट रखो ने। हाँ अब मुंह दिखाओ ने। अब दिखाऊंगी मैं तुम्हें मुंह, अब मैं फ्री हो गई। हाँ। सामान तुम्हारे सिर पे, मैं हमारे ऊपर लाद दिया, ये तो होता है शादी करने का नतीजा। आहा वाह क्या बात है पटेलन, तुम तो भाई एक नंबर लग रही हो उस कलुआ से तो। अच्छा वाकई में, लेकिन तुम उस कलुआ की ना होकर के अगर मेरी होती तो तुम्हें ये समझ लो तुम्हारे चारे कोने चित्त कर देता मैं। अच्छा मैं तो, मैं तो तुम्हारी अभी हो सकती हूँ। तुम बताओ कैसे होगी? कैसे? हाँ मेरे ना कुछ खर्चे ज्यादा है। खर्चे? हाँ देखो पटेल, पहले तो इसे उतार के मैं रखूँ नीचे, अब बात करता हूँ तुमसे। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा है पटेलन के देखो मुझसे दोस्ती कर लो तुम। सुनो पटेलन, देखो मेरा दूध उसका काम है डेरी वेरी का, तो ये समझ लो कि खोआ खाओ, रबड़ी खाओ, कुछ भी दूध वूध खुद खुद कुछ भी पियो। अच्छा कुछ भी, तो तुम ये समझ लो कि तुम बस पटेलन मेरी हो जाओ, तो बस मेरे तो पवारे 25 हो जाए। पहले ना मेरी एक जरूरत है। ओ, क्या जरूरत है? कुछ ना मेरे पास 50,000 रुपये का कर्जा है। 50,000? हाँ बताओ कैसी बात है। वो थोड़ा चिंता मत करो पटेल, कब देने तुम्हें ये बताओ। तुम तो मुझे अभी दे दो तो मैं उसे कल दे आऊंगी। देखो पटेल अब ऐसी बात मत करो, जो गड्डी थी मैंने वो तुम्हारे हाथ थमा दी। देखो वो तो मेरे मुंह दिखरौनी थी, ठीक है। हाँ अगर तुम्हें मेरा कर्जा तो शाम तक इंतजाम कर देना, शाम तक नहीं तो कल सुबह तक। चलो मैं कल सुबह तक देखता हूँ, कल सुबह तक इंतजाम करके और तुम्हारे हाथ में गड्डी रखता हूँ 50,000। ठीक है पटेल, फिर हमारी दोस्ती पक्की। दोस्ती करो भाई। हाँ। ये बात हुई, अब मेरा सामान तो दे दो। घूंघट डाल के जाओ, सही नहीं है, मेरे अलावा तो कल घर आ जाओ तुम्हारे। अरे ना 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 घर मत आना। अरे घर पे तो मेरी वो जिठानी है ना, उसने देख लिया ना तो निकाल के बाहर कर देगी, तो झांकने भी ना देगी वो। कौन है तुम्हारी जिठानी? अरे वो बस पूछो मत कौन है, पुलिस से भी ज्यादा पुलिस है वो। पीछे लगी डोलती है मेरे हर वक्त, कटकटी दी कटकटी है, तो कोई बात नहीं, इसी जगह निगाह रखती है मेरे ऊपर, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्या खा रही है क्या पी रही है, इसी जगह मिल जाना, क्यों चिंता कर रही हो। ठीक है तो कोई देख भी नहीं रहा। अरे मैं यहाँ बैंगन तोड़ने आती हूँ, बैंगन तोड़ने आऊंगी तो भी ले जाऊंगी सुबह सुबह। तुम ले जाना, मैं पैसे ले आऊंगा। ठीक है कल यहीं मिलते हैं। जाओ 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 पटेल। ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। हे भगवान, 2 घंटे से ज्यादा हो गए, ये आखिर में गई कहाँ है? बैगन तोड़ने गई है, बनाने गई है? ओ, राम राम साहब। राम राम, मैं ये कह रही हूँ, मैं दौरानी देगी तुमने? बढ़िया हो ना, मतलब आज दौरानी? हाँ मुझे क्या पता तुम्हारी दौरानी कौन सी है, कहाँ की, कैसी दौरानी? अरे मुझे नहीं पता। तुम्हें ना पता? अच्छा वही बात करा, हम गांव में रहने वाले, सुबह शाम हमारा रास्ते में से निकलना वरना, और तुम्हें ये नहीं पता कि दौरानी नहीं देगी मेरी? नहीं दौरानी को ही तो देखूंगा तुम्हारे घर में, और काम तो है नहीं है मेरे पास। वैसे भी इतने भी सीधे ना हो तुम, समझ में आ गया ना? हम तो ऐसे हो, तुमने दौरानी का राजा बना रखा है कि जाए कर बाय कर खत्ता आराम से खाती कर टन 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 होके बैठी रहती हो। चुप कर पागल, मतलब ये तो पता है कि मैं दौरानी पे इतना काम कराती हूं, ये नहीं पता कि वो गई कहां है? अरे ना खुद काम कर लेती तो इतना ही नहीं हो रही होती तुम। क्यों करूं काम उसे, किस लिए
ये सोने के लिए लाई फसल ले मार के सोएगी तो बताओ। एक वो कलुआ बेचारा वो काम पर चला जाता है, जितना पूछा उतना काम दे। अरे ध्यान दो तुम, तू कोई हमारा मुखिया कौन लगता उसको कसम लगे तू इतनी तरफदारी ले रहा। सुनो उसका अगर आदमी अगर मैं होता ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देता धक्के मार के। अच्छा अरे जा तेरे जैसे दसवीं पैदा हो जाए तो मुझे घर से धक्के ना मार के जा भी तो मैं कहूं। अरे तो उसमें चार चांद कैसे लगे हुए चुप करो ने कम बोला कम। अब तो पक्का तुम दोनों का चक्कर है, पक्का तूने मेरी बहू को फंसा रखा है। बता रही हूँ गुंडे हमारा चला जाए मैंने इतनी चप्पले बरसाऊंगी तेरे ऊपर। चप्पले बरसाऊंगी शांत रहो। अगर मेरी बहू के साथ कुछ किया होगा ना तो तुझ पे 376 लगवाऊंगी यार। अरे पूजा हाँ तू तो बहुत दिनों में दिखाई गई। हाँ मैं शेर थी शेर में चल ये बढ़िया तू शेर में रहने लगी है अब तो। अच्छा ये बता तूने हमारी देवरानी देखी। नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी नहीं कहाँ दो घंटे हो गए मिल नहीं रही नाखन दी उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। अच्छा अच्छा वैसे ये कहाँ है। ये फोन है। फोन है ये। हाँ शेरों में चलते हैं ये फोन। यहाँ तो अभी चले ना गांव में। अच्छा क्या क्या हो जावे इससे। इसमें सब कुछ हो जाता है इसमें वीडियो बनती है इंस्टाग्राम है सब कुछ है इसमें। अच्छा हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा है अपने पति पे जो उस पे वीडियो पे बात कर लेते हैं। हाँ सब कुछ होता है वीडियो कॉलिंग भी होती है इस पे। अच्छा उसे वीडियो कॉलिंग कहते हैं। हाँ मैं इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ जानते गाँव में ये सब कहाँ होता है। हाँ गाँव में ये सब होता नहीं है क्या नहीं। अच्छा वैसे चल और बच्चे बच्चे तो ठीक है ना। चल ये बहुत अच्छी बात है। और कैसे है तेरे दूल्हा। बस बढ़िया है वो भी बिजनेस कर रहे हैं शहर में ये मैं आई हूँ। अच्छा घूमने आई है तू। हाँ। अभी पूरा शहर में छोड़ी आई। हाँ। चल कोई बात ना दो चार दिन रह के जाइए। मक्का बाजरा की रोटियां खिलाऊंगी साग खिलाऊंगी चने का साग। अच्छा। तो शहर में कहाँ मिलते होंगे तुम लोगों को। शहर में कहाँ गेहूँ की रोटी मिलती है। गेहूँ की रोटी वो भी गैस की। मैं तो तुझे चूल्हे पे बनाऊंगी पानी के हाथ की रोटी लहसुन प्याज की चटनी। अच्छा और मठा ठीक है ना। अच्छा चल ठीक है तू चली जा मैं जरा उसे देख के लाऊं आराम खोर को। ठीक है तू जा। अरे राम राम। राम 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 कौन हो तुम। अरे तुम किनकी बहू हो। अरे मैं तो हूँ तो पहले तुम बता तुम हो कौन। मैं तो शहर से आई हूँ तुम किनकी बहू हो तो बताओ। मैं कलुआ की बहू हूँ। अच्छा तो तुम्हारी देवरा जिठानी ढूंढ रही तुमको। जिठानी हाँ बेगल लेने के लिए लगी रहती है क्या। कि बेगल लेने के लिए गई है अभी तक आई नहीं पता नहीं कहाँ घूम रही है कहाँ नहीं घूम रही है। वो ना मेरी जिठानी इतनी मक्कार है मुझे एक पल चैन नहीं लगने देती है। अच्छा मैं थोड़ा ना बैंगन वैगन तोड़ने आती हूँ ना तो थोड़ा वही एक घंटे में आराम कर लेती हूँ। अच्छा क्योंकि वो घर में मैं मुझे एक मिनट के लिए आराम ही नहीं करने देती है पूरा दिन काम कराती है मुझे ये कर वो कर वो कर चैन नहीं लगने देती वो मुझे। बहुत गुस्से में है वो गुस्से में। अरे मैं तो उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अच्छा पहले अच्छा तुमने मुझे ये नहीं बताया तुम शहर से आई हो मगर तुम किसकी लड़की हो। चक्की वाली तोता राम नहीं है उनकी बेटी हूँ मैं। हाँ है तो मैं। हाँ उनकी बेटी हूँ मैं। अच्छा उनकी बेटी हूँ तो पहले कभी देखा नहीं ना तुम बाहर रहती हो तो शायद इसलिए नहीं देखा होगा। शहर में रहती हूँ अभी मैं आई हूँ कुछ दिनों के लिए तो तभी नहीं देखा होगा क्योंकि भाई मैं तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी शादी को। अभी चेहरा तो दिखाओ तुम घूंघट क्यों मार रही हो उससे। अरे घूंघट अरे वो है ना मेरी जिठानी उसकी वजह से मारा रखती है। जिठानी कहाँ यहाँ पे। अब तो नहीं है लेकिन डर तो लगा रहता है पीछे लगी रहती है। उठा लो उठाती हूँ मैं। अरे बहुत सुंदर हो आप तो। अच्छा अच्छा जैसे भैया पर जैसे भैया वैसी आप हो सुंदर सुंदर। भैया इतने अच्छे नहीं है। भैया की बात मत करो वो तो मेरे लायक ही नहीं है। हर वक्त ना तो मेरे लिए इतना सा टाइम निकालते हैं ना मुझसे बात करते हैं ना कुछ हर वक्त उस ऊँट को लेके ले घूमते रहते हैं। अच्छा भैया ऊँट चलाते हैं। ऊँट चलाते हैं। अरे ऊँट से ही फुर्सत नहीं है बीबी के लिए तो जब फुर्सत मिलेगी ऐसे मत। और घर में वो जिठानी है वो खाई जाती है हर वक्त हर। अरे भैया है वो मेरे ऐसे मत बोलो। अरे भैया भैया मेरे तो किसी मतलब के नहीं है ना। क्यों क्यों जिंदगी तो तुम्हें उनके साथ ही काटनी है। अरे जिंदगी मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है उसके साथ शादी होके। अच्छा, तो घर में आके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है मानो। ना तो पति किसी मतलब का ना जिठानी किसी मतलब की ना ससुर किसी मतलब का कोई भी किसी मतलब का नहीं। कोई सही चैन नहीं लगने देता है। सबसे छोटी जो हूँ ना वो चैन नहीं लगने देते किससे काम करवा बस। और तो कोई दिखता ही नहीं जिठानी से तो कोई कहता ही नहीं कि वो बड़ी है। अरे तुम तो अभी ठीक हो तुम अपने पति के साथ बाहर तो रहती हो। मैं कौन सी जगह शादी की है तुमने। मैं गुजरात में रहती हूँ गुजरात में ससुराल है मेरा। अच्छा अच्छा गुजरात में हुई है तुम्हारी शादी। वहाँ से आई हूँ मैं। अरे वहाँ तो शहर है वो तो। हाँ खूब बढ़िया है शहर है वहाँ। मारती होंगी जब ये सूट बूट पहन के देखो। हाँ इतना अच्छा वो बना रहा है। और ये हमें देखो पूरा दिन ये घूंघट मार के घूमना फिरता है हमें। गांव में घूंघट मार के निकलो घूंघट मार के जाओ हर जगह। अच्छा पूरा दिन मेरा तो दम घुट जाता है घूंघट मारते मारते। अच्छा इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं तो। बहुत तंग कर रखा है आपको। बहुत ज्यादा तंग कर रखा है मेरा। मानो कि जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है मेरी तो। अच्छा
वैसे बड़ी भाभी तो अच्छी है, इतनी इतना वो तो करती नहीं होंगी वो। हाँ वो तो ऐसे पल्ला डाल के यूँ घूमती है मटक मटक के। अच्छा हाँ। अच्छा उन्हें तो कोई पल्ले डालने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी है ना, बात वो है। मैं अभी नहीं नहीं हूँ तो मुझे घूंघट डालना पड़ता है। नहीं नहीं तो मैं पता शहर में, खैर मैं रही नहीं हूँ, देखिए शहरों में इतना तो चलता है ना, सूट बूट पहन के घूमते हैं, नहीं नहीं घूमती है सूट पहन के, ड्रेस पहनो कुछ हाँ कुछ भी पहनो, शहरों में तो कोई रोक टोक नहीं होती। और गाँव में तो बस यही घूंघट डाल के जाओ, बस साड़ी पहनो तो घूंघट, कुछ भी करो तो घूंघट, सूट भी पहनो तो उसमें भी घूंघट करना पड़ता है। चलो ठीक है भाभी तुम जाओ, नहीं तो फिर जिठानी जी बोलेंगी। मैं बात करने की ज्यादा आदत है ना। अच्छा तभी सुनती हो तुम, ठीक है। नहीं सुनने वाली बात नहीं है, चलो ठीक है जाती हूँ। मिले तो सही। कहाँ थी तू, ना तू गई कहाँ? तुम ये बताओ से यार के संग भगी। ओए काला टेपली कोटा फिर चालू हो गया ये। किसके साथ मुंह काला कराई ये बता। अरे तुम्हें बता दिया। अरे तू किसके साथ नाक कटा रही थी? हे भगवान पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ क्या मर गई बुलवा के वक्ते जाती हूँ। इस खानदान की इज्जत मैं दाग लगाई दिया, मुझे बता दी थी कि यार को लेके पड़ी होगी। अच्छा हाँ तुम्हें पता भी है, तुम तो जब पीछे पीछे मेरे पीछे घूमती रहती हो, किसी अपने पड्डा पड़िया के पीछे भी घूम लिया करो। अरे कहाँ गए मेरे पड्डा पड़िया, कहाँ गए कहाँ गए? आग लग गई उनमें, कबड्डी के तेल छिड़क के आग लगा के आई तू। अरे तुम्हें पता है वो पड़िया खूटा उखाड़ के भाग गई थी वो। अच्छा हाँ और उसके पीछे भागते भागते मैं खेतों पे पहुंची हूं। नहीं ऐसा पकड़ने के लिए। नहीं ऐसा तो नहीं कि तू पड्डा पड़िया का इल्जाम अपने मन लगा रही हो, तेरा यार भाग गया उसे मार के लाई हो। हाँ यार के पीछे भागूंगी मैं, बताऊँ तुम्हें अभी। हाँ क्या बताएगी तू, मैंने क्या बताएगी? क्या बताएगी? हाँ क्या बताएगी तू? तुम्हारी तो मैं पड़िया पकड़ के लेके आई हूँ, भाग गई थी। बंद कर ले तू, नाक कटवाएगी रास्ते में। बंद कर मुंह, बंद कर। अरे दसला चांद पर रख, चल हे भगवान बंद कर। तू नाक कटवाएगी मेरी, पल्लू डाल के घूमो, मैं जी घूंघट डाल के घूमू मेरी ओर करेगी तू? मैं घूरता से घूंघट डालते डालते। हाँ तुझे तो रजाई में लबेड़ के पोस्टमार्टम छेद कर करके तुझे फेंक देते हैं नदी में। तो फैशन में घूमती हो साड़ी वाड़ी पहन के। मैं ऐसी घूमूंगी ठीक है, जाके अपनी जवान से। अरे खाली घर भी पड़ रही है, मेरा दम घुट जाता है। मर गई तू, सांप लौट के, सांप ने डसी तो ना, किसी मगरमच्छ ने तो ना खाई तू। चाहती हूँ मुझे डस ले कोई, तुम रात करो पूरे घर में। चुपचाप चल, चल आज तुझे तेरे घर तोड़ाई करूंगी। चल चल मेरे को पड़िया तो बांध लो। अरे कलुआ, ए कलुआ बाहर निकल। अजी कौन हो तुम? हम जो हैं सो हैं, कलुआ कहाँ है? तो मेरे पति का ऐसे कैसे नाम ले रहे हो, कलुआ कलुआ? ऐसे ही लेंगे। जैसे बोलो थोड़ा। ऐसे ही लेंगे हम तो। क्यों लोगे? हमारे खेत में तुम्हारे जे पोहे बकरी जे जे घोले छोड़ रखे हैं तुमने, भैंस पोहे सब बाजरा बेकार करिया है मेरे खेत में जे। अरे तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत खा लिया था, वैसे तो पट्टा पट्टिया खुली जाते हैं गाँव में तो। थोड़ा बहुत और क्या? थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत नुकसान, बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है मेरा। अरे तुम क्यों बातें बना रहे हो, इतने का इतना कर रहे हो, सुई का सुहाग बना रहे हो। अरे बातें बना रहे हम, बातें बना रहे हो तुम। मुझे ऐसा लगता है तुमने इज्जत और बड़ों की इज्जत नहीं सीखी। अरे इसमें हमारे घर की, हमारे घर की बहुएं ऐसे बड़ों से इज्जत से बात करती हैं। तो मैं तुम्हारी तरह से बात कर रही हूं, तुमसे कोई गोली गोली बेलगाम नहीं होती। देखो लाला जी हां तुम इतना भड़को तो हो मत। देखो मैं नहीं, थोड़े से बहुत ज्यादा भड़क गए हो, और तुमने अपने साथ साथ मुझे भी भड़का दिया। देखो मैं वैसे मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो जिठानी वो तो खूब लड़ती है, लेकिन मुझे तो पूरा गांव अच्छा बताता है, तुम किसी से भी पूछ लेना। अच्छा हाँ मैं बहुत सुपात्र नारी हूँ। अच्छा तो वो मेरा जो खेत का नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा भाई? अरे अब तुम क्या छोटी मोटी बातें लेके बैठ जाते हो। छोटी मोटी नहीं है, देखो तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है, मैं तुम्हें एक गिलास दूध पिला देती हूँ तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गर्म गर्म दूध पी के। हाँ चलो मतलब फ्रेश हो जाएगा। हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ अरे तुम्हारी बराबर तुम्हारा का तुम। चलो 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 मैं एक गिलास दूध पिला दूँ। चलो जी आओ। हाँ चलो बैठो तुम यहाँ, पहले विश्राम करो। विश्राम? हाँ बैठो 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 बैठो, पहले मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊँ। जल्दी ले आओ, बहुत भड़क लग रही है दूध की तो। यार बड़े गजब की औरत है ये तो, आए तो हम लड़ने थे लेकिन इसने तो प्यार में तब्दील कर दिया। लाला जी ले आए, ये लो तुम गर्म गर्म दूध पी लो। गर्म है? अरे मिलाई डाल के लाई हूँ, तुम दूध पी लो। वो तो दूध पी के तुम्हारी तबीयत खुश हो वो जाएगी। तो हम पी लेंगे, तुम इधर बैठो हमारे बाप। मैं अच्छा बैठो, चलो बैठ, तुम कहते हो तो बैठ जा। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे घर में वैसे है कौन कौन है? कलुआ तो है, उसे तो मैं जानता हूँ। हाँ और कौन कौन रहता है? एक तुम्हारी खड़ूस जिठानी रहती है। हाँ जिठानी, और एक मैं। जिठानी तुम्हें तो परेशान करती थी क्या, मैंने ऐसा सुना? अरे जिठानी बा पूछो मत, जिठानी की तो इतना तंग कर रखा है उसने तो मुझे कि बगैर घूंघट के तो मुझे दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलने देती है। काहे काहे बहू इसकी घर की इसलिए। अच्छा हाँ
तो ज्यादा रोब जताती होगी अपना, बहुत ज्यादा बड़ी है ना जिठानी, इसलिए रोब जमाती है मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ, अच्छा। कि ये काम कर, घर का भी कर, बाहर का भी कर। अब तुम बताओ लाला जी मैं क्या क्या करूं। अच्छा, अकेली को उसने परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा, कलुआ कहाँ रहता है? अरे कलुआ, कलुआ तो अपने ऊंट चराता फिरता है। वो तो ऊंट है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो उजड्ड बुद्धि का है, कोई मतलब नहीं है उसे। वो उजड्ड बुद्धि का है, हमने तो उसे बहुत समझाया पर उसने हमारी एक ना मानी। अब देखो सुनो, तुम परेशान हो और वो उजड्ड बुद्धि का कुछ करता नहीं है। अरे कुछ नहीं करता वो ऊंट को लेके पूरे दिन उसी को लेके घूमता रहता है। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरे को तो जानते ही हो तुम, मैं अब तो जान गई। हाँ, आपने दूध भी पिला दिया मुझे। हाँ, मैंने बड़े प्यार से पी भी लिया। अरे क्यों नहीं पियोगे जब मैं पिलाऊंगी? तुमने हमारा इतना वो मान सम्मान रखा तो हमने भी थोड़ा प्यार मेल भर रहा है हमारा तुमसे, ठीक है? हाँ, जी लाला तो जी। अब हम चाहते हैं कि तुम अब बहुत सारे हमने मित्रता तो धीरे धीरे पनप ही रही है जी। अब इस चेहरा को दिखा के इस जो मित्रता पनप रही है ना इसको पूरी नैया पार लगा दे रहे हैं। मैं समझ गई। हाँ लेकिन लाला जी बाहर किसी से मत कहना कि मैंने तुम अपना चेहरा। अरे वो तो छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा था वो उजड्ड बुद्धि का कितना किस्मत का तेज है, उसको ऐसी चांसी बहू मिली। हमें तो सोमवार का व्रत रख के भी ऐसी बहू नहीं मिली। अच्छा हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा था। हाँ लाला जी, वैसे मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं अकेला रहता हूँ तो नहीं वो हमारी एक घर का थोड़ा सा पर्सनल इशू है। अरे लाला जी, तो फिर अब मैं हूँ, जब हम हैं तो क्या गम है और क्या। वो बात तो ठीक है लाला, और जी? क्या। अच्छा लाला जी, मतलब तुम्हारा काम वाम क्या क्या है तुम्हारा काम? हाँ। अरे हमारा काम ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे पास ना हो। खेत बाग, हमारे कारखाने भी चल रहे हैं शहर में। अच्छा, कारखाने भी चल रहे हैं। हमारा मूवी लो बेटा चला रहा है उसे। अच्छा अच्छा। और हमारे पास ट्रैक्टर है, और तुम्हारा वो जुगाड़ नहीं होती, जुगाड़ ट्रैक्टर की तरह होती है। अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। हमारे पास सब कुछ है, संपत्ति बहुत है, बस एक ही संपत्ति नहीं है। एक तुम भी तो हो गांव, इस गांव के। हाँ। इतने जो सब कुछ है तुम्हारे पास। हाँ। और हमारे वो सुबह देख लो पति पे कुछ भी नहीं है, मेरी चीज बेक बेक के और गिरवी रख के खाता रहता है। अभी मानो मेरे 10,000 में तो गिरवी अंगूठी रखाया है, मेरी शादी की अंगूठी। 10,000 रुपए में गिरवी रख दिया, मानो मैं अपनी अंगूठी के बगैर इतनी परेशान। अरे 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 रो, अब ऐसी बातें होंगी, दूध पिला के तुम है ना वो जहर पिला रही हो। वो मेरे पिताजी ने दी थी अंगूठी मुझे, और उसने वो गरीबी रख दी, मुझे अपनी अंगूठी की बहुत याद आती है। एक काम करो, ऐसे पति को साइड हटाओ, तुम हटाओ चूल्हे में जान दो ऐसे पति को। अब देखो मानो तो पत्थर भी देव है, तो हमको ही मान लो, हम तुम्हारी सारी परेशानी मतलब दुविधा दूर कर देंगे, दुविधा की अगर सुविधा लगा देंगे तुम्हारे पीछे। वो कैसे लाला जी? वो ऐसे तुम्हारी अंगूठी रखी हुई है सुनार पे। हाँ लाला जी क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं जो मैं उसे छुड़ा के ले आऊँ। एक मिनट लाला जी, दूध कैसा लगा? अरे दूध तो बहुत अच्छा था। तुम्हारे वो 10,000 रुपए, वो एक कितने की थी अंगूठी? वो 10,000 में रखी हुई है गिरवी। लाला जी तुम क्या साथ में पैसे लेके घूमते हो क्या? अरे ये मेरा काम ब्याज का है तो मैं ब्याज उठा के लाऊं। ये लो मेरे लिए, तुम्हारे लिए रखो, और इससे अपनी अंगूठी छुड़ा के लाना, और बाकी के पैसे तुम तो बहुत अच्छे हो, बाकी के पैसे सही जगह इस्तेमाल करना। अब पूछो सही जगह कैसे? हाँ। तुम्हें ऊपर वाले ने कुदरती इतनी अच्छी शान और शोहरत और सूरत दी है, इसके ऊपर पैसे लगाओ तुम। अच्छा। ये क्या ऐसे कपड़े, बढ़िया बढ़िया से अपने मयार से लेके आओ कपड़े जी। कपड़े वपड़े तो अब देखो यहाँ तो यही पहनने पड़ते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर इनका तिजोरी में डाल देना। हाँ वो मैं कर लूंगी, लेकिन लाला जी मैं तुमसे एक बात कह दूं, मुझे देखो अब लग रहा है डर, क्योंकि बहुत काफी टाइम हो गया बैठे बैठे डर। अरे वो मेरी जिठानी है ना, वो आ रही होगी वापस लौट के घूम घाम के। अच्छा वो तेताल। हाँ अच्छा, अगर उसने देख लिया ना तो मारेगी बहुत, गिनेगी कम, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी उसे बजा देना इस डंडे से। अरे वो मैं उसे बजाऊंगी ना, वो उससे ज्यादा मुझे बजा देगी। चलो तो चलो, और मेरे साथ साथ तुम्हें भी बजा देगी। अरे नहीं मुझे, तुम कह चलो ठीक है ठीक है, तुम निकल जाओ यहाँ से, है ना। अब अच्छा मित्रता पक्की? हाँ मित्रता पक्की है, दोस्ती पक्की है हमारी। तो फिर मैं कब आऊँ अब? अरे मैं तुम जब भी मन करेगा तभी बुला लिया करूंगी तुम्हें। पक्की बात है? हाँ, तो फोन जो चलते हैं वो है तुम्हारे पास? अरे बवाल है, मैं नहीं लेता उसे। अच्छा ठीक है, तो मैं बैंगन तोड़ने आऊंगी, वहाँ बुला लूंगी। अरे बाबू माता दी कोट मारे दूंगा।
इधर से कहाँ से आ रहा है? क्यों? पूछ रही हूँ इधर से कहाँ से आ रहा है? इधर से? हाँ। काम से गए थे हम। ये इधर गली में कौन सा काम पड़ गया तुझे? है एक मर्द को बहुत काम होते हैं। ओए मर्द न मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करियो। मुझे लग तो रहा है कि तू कहीं से भी मर्द है। क्यों शक है मेरी मर्दानगी पे? अरे चल मैं तेरी मर्दानगी पे काय को शक करूंगी। ये बता का क्या करने गया था इधर? अरे मैं गया था मेरी पतंग कट के आ गई थी इधर। बूढ़े पतंग उड़ाता है तू? बच्चों के खेल बच्चों के काम है पतंग उड़ाने तू उड़ाता है? अरे ओ सुन उम्र बचपन का दिल बचपन का। अच्छा अच्छा तब इससे बात कर पहले तो तड़ाक नहीं बोलेगा बता रही हूं। ये तो हमारी शान है हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं। मैं हरियाणा में ही पला बड़ा हूं। बे चल हरियाणा की माँ की आग कट। अच्छा हाँ बहन जी तुम तो कर रही लग रही हो देखने में। आवाज नीचे इधर आज से अगर आइंदा भी अगर इस गली में झक गया ना समझ में आ रहा है आ गई ना? क्यों पर क्या बात है इसमें क्या हुआ है इसमें? तेरी अम्मा नाचती है इसमें या तेरी बहन नाच रही है इसमें या तेरी लुगाई नाच रही है इसमें? ना तो मेरी अम्मा ना मेरी बहन ना मेरी लुगाई। सोच रहा था नहीं बना लूं। अच्छा तेरे कोई दांत ना देखेगा निकल ले इस गली में झक मत जाइयो आज के बाद चल निकल। मैं डेली आऊंगा। तू डेली आएगा? डेली आऊंगा। क्यों जो हो सकता है वो कर। तेरी अम्मा का खसम है इस गली में। बहन जी गली में बात रही आने की तो मैं डेली आऊंगा सुबह शाम आऊंगा। जो हो सकता है तुम कर लेना क्योंकि गली सरकार ही है। गली तुम्हारे पापा की ना मेरे पापा की नहीं है। अच्छा और क्या इस गली में हम रह रहे हैं तो साफ सफाई हम करें। हाँ, रहे हम रहे हाँ, तो इससे मैं देखभाल हम करें। तो मैं क्या करूँ फिर? तू ये कर के तू यहाँ झाकेगा नहीं किसी अरे गहरे को किसी ऐसे गुंडा फुंडन को हम गली में ना घुसने देते हैं। देखना मैं गुंडा कहाँ से लगता हूँ। तू सरीफ भी किधर से दिख रहा है फिर मुझे? तेरी तेरी माथे पर शरीफ तो लिख लिया। ऐसे तुम्हारे माथे भी मुझे नहीं दिख रहा। तुम इतनी कम खतरनाक हो। हाँ, तुम तो बातों से इतनी खतरनाक लग रही हो। कोई चीज तो मैं करी। चल निकल अब तू काम कर अपना। इधर झाक मत जाइयो। ऐसे ही आऊंगा तो तू आ जा तो रोक के दिखा देना। तो तू आ जा तो रोक के दिखा देना। भाई तो भैया भैया कहाँ है यार बहुत दिन आए गए यार। अरे मैं तो ऐसे गया था घूमने। कहाँ भाई तुम अब कहाँ आ रहे हो वैसे? अरे हम तो कहीं ना जा रहे बस एक काम पे गए थे बस। एक काम से? और क्या अपना तो अब काम कहाँ आ रहे हो? मैं जा रहा था थोड़ा इधर मेरी थोड़ा सा ये बाजरा देखने जा रहा था। अब झूठ मत बोलो बाजरा नहीं देखने जा रहे कुछ और करने जा रहे। दिखो यार झूठ का तुमसे मजाक कर रहा है तुम्हारी सारी सरे जो कहा थे। ओ नहीं मैं तो मजाक कर रहा था भैया ऐसा था तुम बहुत दिन बाद मिले। अच्छा मैंने कह रहा राज घुसी लेने यार तोताराम भैया तो हमें मिले मिलते ही नहीं है कभी। बता मेरी इतनी याद आ गई थी बहुत ज्यादा याद आ रही थी यार। मैंने कि यार उनसे मिलूंगा तो यार मैं जिस समझ लो कि बड़े खुल के बात करूंगा तुम मिल ही नहीं रहे थे। अच्छा बताओ बताओ मेरा तो तुमने पूछ लिया। हाँ और तुम किधर से आ रहे हो? अरे मैं तो इधर से आ रहा था यार घेर की तरफ से। घेर पे कौन था? अरे को मैं जा रहा देख के आया था घेर को थोड़ा सा। मैं अब इधर जा रहा हूँ घूमने। तो ऐसे ही सेम मेरा हाल है। मैं भी उधर से ही आ रहा था इधर ही जा रहा हूँ घूमने। और सुना भाई तो जा रहा हूँ क्या कर रहे? मैं ये देख रहा था अरे बड़ा सुगंधित वो क्या लगा रखा है तुमने बड़ी सुगंध आ रही है कपड़ों में से। मैं बचपन से पैदा ही ऐसा हुआ था खुशबूदार तेरी तरह थोड़ी बदबूदार। चुप और ये दूध की खुशबू आ रही है मुंह से क्या बात है कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? वो ये मत पूछ यार मेरा दिल खुश हो जाता है बार बार इसी बात को सोच सोच। कहाँ से? मेरी हमारी एक महबूबा है यार। अच्छा अभी नई नई बनाई हमने। अच्छा वो हमारा पूरा ख्याल रख रही है और कहने को अभी दो दिन नहीं हुआ भाई। दो दिन छोड़ एक दिन नहीं हुआ पूरा। अच्छा इतना ख्याल रखती है क्या जैसे कि बीबी क्या रखेगी यार? तो यार हम भी जाएंगे अपने महबूबा के पास। तुम्हारे पास भी है? हमारे पास भी है लेकिन हम जा नहीं पाते। तुम्हारे पास कब आई? आ गई हो कि कब आ गई कि कब आ गई? अब हम भी जाएंगे अपने महबूबा के पास। बात कर रहे हो यार अब बताओगे ना? मैं जाओ चलो यहाँ से जाओ। देख बेटा एक तुझे बात बता दूं अब बहुत ज्ञान की कि हमारी जैसी महबूबा नहीं होगी तेरी। हमारी महबूबा तो समझ ले फूल झड़ते हैं। ये कैसी बात कर रही है भैया? बे मेरी महबूबा तो ऐसी है शायद ही गांव में पूरे गांव में ना होगी ऐसी। तेरी महबूबा तो जने पता नहीं कौन है वो दिखे हेमा मालिनी दिखे। अभी देख तूने बोला खुशबू कहाँ से आ रही है। अब जब उस पे से मुझ पे खुशबू आ सकती है तो अब तू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कि उसमें कितनी खुशबू होगी तो देख लेता फिर एक दिन मिल ले। ठीक है तो मिल ले बात चल हो गई पक्की बात। हाथ हाथ मिला ले देख ले हो गई अगले जुबान है दिखाते हैं कौन कितनी सुंदर है। ठीक है ठीक है तू अपनी सुंदर को लिया ना मैं अपनी सुंदर। अरे अरे कहाँ है? सिर में दर्द हो रहा मेरे तो। हाँ बोलो क्या कर रही भीतर? अरे काम ही कर रही थी नहीं बैठी थी तो मैं तो यही लगता है मैं बैठी होंगी। नीची आवाज से बात कर। कंगा लेके आ जा। कंगा जा लेके आ। तू ऐसे ही एंटर में आई तुझे काम पर काम बताती रहूंगी।
ये लो मेरे बाल काटी है ना यहाँ से काटी हाँ काटने भी पड़ेंगे और क्या कटवाने की कह रही हूँ बाल काटने तो करके पछता ही तुझे सही बता तो बड़ी परेशान हूँ देखिएगा जूं फू तो ना पड़ गया अरे तुम्हारे मैंने कंडीशनर से धोया था वैसे उस दिन से चल ठीक है मुझे एक काम कर दे भैया ना देखिए मेरे हाथ दर्द है वो भैंस खोल के भाज गई तो उसके पीछे भाग रही मैं मेरे हाथ दर्द है चुटिया से मत लगे अरे तुम्हारी चुटिया गोई है मैंने ठीक है यार देखिए दर्द है वैसे मेरे बहुत तेज बिक्स फिक्स ना हमारे घर में है खत्म हो गई ये बिक्स नहीं है बिक्स अब चल एक काम कर पानी लिए जाइए प्यास लग रही है बड़ी तेज है कुछ कह रही जा चल लिया मेरे बाल इतने सुंदर है बेचारा फिर डायन नजर लगाती रहे छोड़े लो पानी जी खारा पानी मीठा पानी ना खत्म हो गया मीठा पानी हाँ पानी है ये गिलास क्यों फेंक दिया उठा गिलास जा चल चल कड़छी हाँ ध्यान आ गई बेसन बनाना मुझे चल जा बेसन हाँ बेसन बना कड़छी उठा के ले जल्दी चल जल्दी अरे कंगा धर दी ले जल्दी ला जा पानी बल्ला भर के भी मुझे लाना पड़ेगा और तेरे बाप भर के लाएगा या तेरी अम्मा भर के लाएगी या तेरी बाप तक मचाया करो जैसी जाऊंगी रोज जाऊंगी तो तेरा तो बाप दिन काम कराती हो तेरा बाप जो भर बाप तक भी जाती हो तेरे बाप ने दूसरी लुगाई कर रखी है नाक में तो मेरे खानदानी नाक है जा तुम जैसी औरत नहीं देखी मैंने देख ली अब देख ली चल जा और सुन और मेरी बात सुन इधर आ इधर पल्ला कर पल्ला कर और सुन एक काम करियो वहां जमुना है वो गंगा है ना अरे गंगा कह रही हो नदी जो है बंबा जो है वहां से वो बाबा के बराबर में जो नल है वहां से लगी जा और सुन सीधी आ और सीधी जा अपने यार हनुमान से बात बत रही हो चल जा अरे तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हाँ वो तो मैंने वो तुम जो सुनो पहले से ही बना रखी है तो काय को मिलेगी लीला ने सीरियल देख लो टाइम भी हो गया नाटक देख लो अनुपमा वाला नाटक आ रहा होगा देखो 26 साल का प्यार छोड़ दिया उसने ऐसे ऐसे कल हुए देखो उसमें आखिर में हो क्या रहा है इसके चक्कर में काम करके थका देती है मुझे अरे पटेल राधे 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 तुम कौन हो गुस्सा में कैसे जा रही हो अरे गुस्सा में क्या वो मेरी एक जेठानी है वो मुझे परेशान करती है पूरा दिल मुझसे काम कराती है मैं काम करते करते थक जाती हूँ कितना जुर्म हो रहा है तुझसे बस पूछो मत के कितना नहीं हो रहा कैसी कैसी सुंदर नारी को कितना कितना जुर्म मिलता है बताओ क्या करें इस नसीब के लिए मैं तो बड़ी दुखी हूँ कितने जुर्म हो गए बताओ तुम हो कौन की बीवी ये बताओ मेरे मैं चलो तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ वो कलुआ है ना ऊंट वाला अरे उसकी बीवी हूँ गलत घर में फंस गई हो तुम वो कहाँ और तुम कहाँ अरे मैं तो वो तो मुझे खुद पता है कि मैं कहाँ और वो कहाँ अगर तुम लेकिन क्या करूँ बीवी हूँ ना मजबूर हूँ रहना पड़ता है मजबूरी में अगर तुम हमारी बीवी होती ऐस कर रही होती अच्छा पानी पानी समझ लग रही है हमारे घर में अरे तो अब क्या फायदा मुझे अब तो मेरी शादी हो चुकी अब भी कहा बना बिगड़ो है वो कैसे चो देखो अब तुम यहाँ रहते हो कितना काम करते हो हमारे घर पे तो नौकर लग रहे हैं दूध काटने वालों अलग है रोटी बनाने वाली अलग है झाड़ू पोछा करने वाली अलग है बड़ी कोठी है भाई गांव में पल्लू गांव है मारो दूध डाल में आते तुम्हारे गांव में अच्छा दूध डालने आते हैं तो पहली बार थी खाना तो अब भी कोई बना बिगड़ा ना हम अब दोस्ती कर लो क्या दिक्कत आती है देखो डेरी दूध दही मटा छाछ जो माओ भर पेट अच्छा पूरा पूरा सामान लो लेकिन मुझे दोस्ती करने से क्या फायदा मुझे तो फिर भी काम करना पड़ेगा अरे ऐसे कैसे काम करना पड़ेगा तुम हमारे संग रहेंगे और बताओ अरे तो ऐसे तो यार में नौकर आ जाएगा फायदा क्या जो मेरा कुछ फायदा ना हो कैसा फायदा चाहिए तुम्हारे लिए फायदा बताओ हम तुम्हारे वैसा फायदा करते कमी क्या चीज की ना हमारे पास अरे तुम्हारे पास तो नहीं है मेरे पास तो कमी है ना क्या चाहिए तुम्हें इसीलिए तो मैं इतना सुनती हूँ करती हूँ पैसे पैसों की कमी है और क्या कमी है पता है मेरे पिताजी ने मेरे शादी के लिए 50,000 रुपए लिए थे अच्छा कर्जा ले लिया अब मेरे पिताजी तो चल बसे अब कर्जा मुझे देना पड़ेगा अब कहाँ से दूं बताओ कर्जा हो गया 50,000 पैसा चाहिए अरे पैसों की तो बहुत जरूरत है क्या करूं मैं लो, बस तुम लो मतलब अरे लो हाँ तुम 1,00,000 पैसे और संग लेके घूम रहे हो बोलो 10,000 10,000 हाँ अभी तुम 10,000 रखो
फिलहाल के लिए। ये मेरे लिए? हाँ, ये हमारी दोस्ती का नहीं है, ये हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हें तो इतना मेरे ऊपर तरस खा के। हाँ देखो 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 पूरे पूरे हैं। अच्छा अच्छा, सौ लोग हैं ये सब रे। ठीक है, मैं कर लूंगी। अब मतलब हमारी दोस्ती पक्की है। हाँ, तुम्हारी दोस्ती पक्की है, हमारी तुम्हारी। मतलब अपना मुखड़ा तो दिखा दो हमें, ये चांद सा टुकड़ा। हाँ चलो दिखाती हूँ, पहले ये मेरा पानी। पानी लाओ लाओ, हमें दे दो टंकी से। तो लाओ। हाथ दुख गया मेरा। अरे हमारे तो बोल रहे सुबह तो बोल के चलते हैं मटू की आजिए। ओए ओए, कितना सुंदर चेहरा है, देख ले। परियों का चेहरा फेल है। अच्छा हम्म, तो अब मैं ढक लूँ। बिल्कुल ठीक है। अब देखो वो अगर मेरी जेठानी ने मुझे देख लिया तो फिर मुझसे लड़ेगी। अब मैं चलूँ? बिल्कुल जा। पैसे रख लूँ, कुछ देख लेगा नहीं तो। अब मैं घूंघट मार लेती हूँ। तो जी मटका पकड़ो। मेरी जेठानी है ना, अगर उसने देख लिया ना तो मुझसे लड़ बैठेगी। अब हमसे मुलाकात करती रह गई तुम। अरे अब तो मुलाकात होती रहेगी, अब तो हमारी दोस्ती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम्हारे काम में आते रहते हम तो। मुझे कुछ जरूरत पढ़ा करे तो तुम मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल, खुले दरबार है हमारे यहाँ तो। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। बिल्कुल बेचिंता जाओ। ठीक है। अरे दीदी दीदी, अरे ये पानी उतरवा लो। दो घंटे से कहाँ गायब थी तू? अरे ये पानी तो उतरवाओ। हाँ बता, दो घंटे से कहाँ गायब थी तू? पूरा दिन काम करते करते इतना थक जाती हूँ मैं, और तुम हर वक्त मुझसे बस। अच्छा। एक मिनट के लिए मैं चुप रह ना जाऊँ, मतलब रुक जा, मैं अभी आ रही हूँ, इसे रख के आऊँ अंदर। उफ, उफ, फिर लड़नी पड़ गई। अब तो गाल ले इसे। आ रही हूँ ना, सांस तो ले लूँ। सांस को तो कहीं है तू, वहाँ पहाड़ चढ़ के आई तू, कहीं पहाड़ खोद के ना लाई। पानी में वजन नहीं है, इतनी दूर से लेके आई हूँ। तुम्हें पता है वो नल भी खराब हो गया था। तू दो घंटे और आगे वाले नल पे से लेके आई हूँ। घंटे से कहाँ गायब थी ये बता पहले। अरे तुमसे कह तो रही हूँ, वो नल खराब हो गया था, बहुत आगे गई थी, कम से कम 2 किलोमीटर आगे। अच्छा हाँ, वहाँ से पानी लेकर आई हूँ। तुम्हें पहला झूठ तो यही पकड़ा गया, तेरा पहला झूठ तो यही पकड़ा, क्योंकि वो नल तो खराब ही नहीं है, कल परसों ही सही हुआ है। अरे आज खराब है, आज खराब है। अच्छा तू मुझे चला रही है, जिन्हें मैं दुनिया चला रही हूँ तू मुझे चला रही है। अरे है? देखो मैं तुम्हें चला नहीं रही, तुम चली चलाई, मैं तुम्हें क्या चलाऊंगी। अच्छा तू चली हुई ना है, तू मुझे बेवकूफ बनाना सिखा रही, तुझसे पहले नाच और कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा है, समझ में आ गई ना। नाच तो मैं भी खाती हूँ। तू गू खाती है, नाच का खाती है, तू गू खा ले तो भी सही है। गू बू की बात मत किया, ऐसी करूंगी। ये बता कौन से यार के संग दीदे लड़ा रही थी, ये बता। एक तो पानी भर के बात दूर से लेके आई हूँ, वो भी गर्मी में, थक गई मैं मदर, था सांस भी नहीं मिली मुझे। तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ही, तुम मुझसे लड़ने लग गई हो। कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे पैर दबाओ, तुम्हें माचिस मट्टी का तेल छिड़क के आग तो तुझ में लगा दूं मैं, जाके बेसन बना चल। हाँ, दे दो मुझे, मार दो। अरे तुम्हारे देवर को तुम ही रहना, तू ऐसी काय को है रे, जा मैं काय को रहूंगी अपने देवर को, मेरा देवर तो मेरे बेटे की तरह है। हाँ? नागिन तू डस के जाएगी सबको, जा चल निकल। अरे तुम मुझे लगता है मुझे डस लोगी, जाके बेसन बना ले, मैं अभी आ रही हूँ, गीतों में जा रही हूँ, गीतों का बुलावा आया मुझे, चल निकल यहाँ से। खुद गीतों में मजे लेने जा रही है, मैं बेसन बना लू, औरत है। बताओ यार, मेरे 50,000 रुपए ले गई और तब से ना तो ये मिली, देखता हूँ आखिरकार चक्कर है क्या, ना तो इस रास्ते से आती ना जाती, और उसकी वो भी नहीं मिल रही, वो मोटी उसको भी देखूंगा पता नहीं कहाँ है, पैसे खा के बैठी है, मेरे 50,000 पैसे लेके आऊंगा आज। हाँ भाई कहाँ गए, कोई है घर में? आवे बाहर निकलो पहले तो एक आश। अरे तुम है आ गई तुम? अरे तुम यहाँ घर क्यों चले आए? चले आए ऐसा, पहले तो पैसे दो मेरे। जिठानी ने देखा? अरे जिठानी गई बाहर में, और तुम जा चूल्हे में, 50,000 दो मेरे। 50,000? हाँ। तुमने मुझे 50,000 कब दिए? ओ सीधी सादी सावित्री सीता मत बनो, के 50,000 कब दिए? जब 10,000 के 50,000 बता रहे हो? 10,000 तुम्हारी मुंह दिखाई दिए थे मैंने, 50,000 दिए थे जब तुम्हारा किसी पे कर्जा था, तुम्हें वो कर्जा चुकाना था, उसकी वजह से मैंने 50,000 दिए मैंने तुम्हें। दोस्ती करी और शकल भी नहीं दिखाई, घूंघट उड़ करो। अरे लो घूंघट। हाँ चिल्ला के रोए, कोई सुन लेगा? अरे सुन ले कोई, मुझे क्या मतलब है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, मुझे पैसे दे दो बात करें, मैं चला जाऊंगा चौहाई। अरे अब दोस्ती कर ली तो मतलब पैसों का मांगने का क्या मतलब है? हाँ क्या मतलब है, दोस्ती नहीं करी तुमसे? ये पड़ गाल मत बजा, दोस्ती जाके ले करी के एक दिन मिलने के बाद में फिर जन्म जिंदगी। अरे यार जब गली में आता तो मैंने जब गली की खरंजा उखाड़ दिया, और तुम्हारे निगरानी में देखा तो मैं खुद सूख गया। तो इतना भक 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 किए जा रहे, कुछ मेरी भी मजबूरी सुनोगे? क्या मजबूरी तुम्हारी? क्या बताया था कि मेरी जिठानी कितनी मक्कार है, उसके बगैर में ये कदम भी बाहर नहीं रख सकती यो मानो। अच्छा हाँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तुम्हें पता भी मैंने तुमको कितना याद किया था, मैंने
चार दिन से तो मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा हाँ। अरे अरे ना 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 रो मत रो मत रो मत, कोई बात नहीं, ऐसा था भाई। अब मैं चिल्ला रहा कि मैंने नहीं, नहीं देखा है, मेरी मजबूरी कोई समझता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, तो अब नहीं चिल्ला रहे हम। अरे रो मत कोई आ जाएगा अंदर से, वो तुम्हारी वो आ जाएंगी प्रभु, खाना खा हल्ला काटेंगे वो हल्ले काट काट। तुम्हें तो अपना पैसा दिख रहा है, लेकिन किसी की जान नहीं दिख रही, किसी की जान चली जाएगी। तुम रख लो पैसा को, कोई बात नहीं। कहीं बताओ अब पैसों की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? अरे पैसों की जरूरत क्यों नहीं है, मुझे तो हर वक्त पैसों की जरूरत रहती है, मुझे तो एक पैसा भी नहीं देता है कोई पूरे घर में। अरे लो तो लो, 10,000 है, ये लो ये लो। अरे तुम्हारा राम भला कर जियो, हमारे जैसा इंसान तो कहीं मिल ही नहीं सकता। अरे कैसे मिल जाएगा हमारे जैसा, सच बता रही हूँ। अब ये बताओ, दुनिया में भी ढूंढूंगी ना तो तुम जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं कहीं? हाँ। अच्छा ये बताओ, दिया लेके भी ढूंढूंगी तो भी नहीं मिलेगा। अब कल का क्या प्लान है, कल कहाँ मिलोगी फिर? कल मैं तुम्हें बताऊँ, कल मेरी जेठानी 12 बजे करीब जा रही है। अरे वाह, माँ जा रही है अपने पियर घूमने, क्या बात है। तो थोड़ी तसल्ली भी मुझे भी मिल जाएगी और तुमसे भी मिल लूंगी मैं। तो कल घर पे ही आना है? कल घर पे ही आ जाना, और कहीं नहीं। अरे अच्छा मौका है कल का। अच्छा अच्छा हाँ। कितने बजे? वो 12 बजे निकल जाएगी दोपहर के टाइम। ठीक है ठीक है, दोपहर के 12 बजे तुम कल दोपहर को आ जाना 12 बजे। ठीक है ठीक है। अब तुम ऐसा करो, वो आ रही होगी, तुम जाओ निकल जाओ। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं जा रहा हूँ ना। ठीक 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 है ठीक। अरे राम राम साहब। हाँ राम राम। चलो इधर से कहाँ से आ रहा है? अरे मेरा पड्डा भज गया था इधर। किसके साथ है? किसको लेके भज बातें करती हो? तू ही तो कह रहा है मेरा पड्डा भग गया था। तो भज गया था भाई, उसे पकड़ने गया था, देखने गया था, वो मिला ही नहीं इधर। एक बात बता। बोलो बाबू, वो मिलेगा कहाँ से? वो गली तो सारी बंद है। अरे भाई ये बता हाँ। तू वो क्या कहते जाएगी कहाँ थे? वो पड्डा जाएगी नहीं, पड्डा पड्डा जाएगा कहाँ? गली सारी बंद है, एंड में मेरा घर है। अब तू बता वो क्या कहते हैं, वो गया मतलब इधर से कहाँ से आ रहा? अरे कहाँ होता है इधर, नाली में घुस गया होए, कुछ पता है? अच्छा हाँ। नाली में क्या, वो सांप है जो घुस जाएगा हैं? ये बता कमीने, नहीं ये बता चक्कर क्या है? पड्डा ये बताओ, ऐसे इस गली में से कौन सा तुम्हारी अम्मा को लेके भाग गया ये बताओ? चुप चुप ना। हाँ पड्डा तेरी अम्मा भाग गई है किसी के साथ? भाग गई हो तो मैं पकड़वा के लाऊंगा। अरे बता शांत रहो यार, ना मैं ऐसे ही बोलूंगी। अरे अम्मा भज गई क्या बनाने का? अरे तेरी अम्मा भज गई, तेरी बहन भज गई, कौन भज गया? कौन भग गया तेरे घर में? अरे घर में कहीं बात मत करा, शांत रहो। आज के बाद अगर इस गली में देख लिया ना मैंने, तो इसी डंडे से तेरी टांग और पूरे शरीर के एक एक अंग तोड़ दूंगी। अब यहाँ तो निकल ले सीधा, चल। जा रहा हूँ मैं, निकल। मुझे कम मत समझना। हाँ देखो, हाँ मुझे पता बहुत ज्यादा वो है तेरे अंदर, पिलपिले आम। और कायरी बाहर निकल। ये बता या गली में अनुआ धनुआ मनुआ सनुआ पनुआ काय घूम रहा है? अनुआ धनुआ मनुआ, ये क्या क्या नाम ले रही हो दीदी? ये गली में काय को घूम रहा है? अरे भगवान, मैं इस पूरे गांव की मतलब रखवाली करती फिरती हूँ, क्यों कौन घूम रहा है क्यों नहीं घूम रहा? मैं तो देख मेरी बात सुन, मुझे पता है यार, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू पक्की 420 है। अगर कल को हमारी कल कला को नाक रगड़नी चाहिए, बता रही हूँ। तुम हर वक्त मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हो ना, मैं बता रही हूँ। पता है कि बगैर घूंघट के तो मैं घर से पैर नहीं रखती बाहर। ना बता रही हूँ, नाक रगड़नी चाहिए, मेरी बहुत इज्जत है इस गाँव में। चल जा, एक काम कर, वो क्या कहते हैं, निक चाय बना बढ़िया सी, मलाई उतार के डाल दियो चाय में। चल चल। ओ भैया कहाँ से आ रहे हो? हम अरे तुम्हें पता नहीं है तोताराम, हम कहाँ से आ रहे हैं? हम अपनी महबूबा से मिलकर के आ रहे हैं भाई। अच्छा अरे और कैसे, क्या देख रहे हो शकल की तरह? देखा नहीं है क्या मुझे कभी? शकल पे तो 12 बज रहे तुम्हारी, तुम महबूबा से मिलकर आ रहे हो भाई। महबूबा से मिलने हम जा रहे हैं और हमारी शकल देखो। ओह महबूबा से मिलने जा रहे हो तुम, और क्या देख रहा है कि महबूबा से मिलने जा रहे हो? ऐसा है ये तो हुआ कि नई नई कोटी लेके आऊं। सही है ठीक है, ये दिखाओ मत हमें चमक ढमक, महबूबा से मिलने जा रहे हो। सुनो हमें देखो कि हमें क्या क्या मिला खाने में। महबूबा ने हमारी ने रबड़ी रखी हमारे लिए, और देखो एक शरबत रखा, लस्सी रखी, यानी क्या क्या उन्होंने मेरे लिए सजा सजा के रख दिए। खुशबू तो आ रही थी यार ऐसी यार। जब वो नहीं आ रही तो तुम्हारे अंदर कौन सा मतलब वो इत्र छणक दिया है हर चीज का, जो तुम्हारे अंदर से खुशबू आएगी? उस दिन की तरह जाऊंगा फिर आऊंगा, और हाँ। फिर तुम यहीं खड़े रहना, और जब अपनी लंबी नाक से सूंघ के देखना, अगर ना खुशबू आए तो भाई साहब नाम बदल के रख देना। ठीक है तुम आओ डोल के, अभी हम जाके जा 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 अभी आधा अधूरा। अरे कहाँ गई, अरे मेरी होने वाली जान कहाँ हो? अरे तुम और क्या, अरे मेरे घर पे क्यों आ गए? घर पे क्यों आ गए फिर, कहाँ आना चाहिए? अरे तुम पागल हो क्या? पागल तो नहीं हूँ अब तक,
पर अब हो गया हूँ तुम्हारे चक्कर में। अरे मेरी जेठानी ने देख लिया ना तो वो मुझे मेरे साथ साथ तुम्हें भी मारेगी। मैं वो तेताल को देख देख के आ रहा हूँ, वो तेताल अब तक तो मुझे मिल नहीं है। और अरे वो पता नहीं कब किस टाइम वो कहाँ से टपक जाए, उसकी कोई पता नहीं। वो बारिश है, बारिश हर जगह से टपक जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे बोला था कि मुलाकात होगी, भाई साहब पूरे 8 दिन तो आज पूरे हो गए और अब तक तो एक मुलाकात की छोड़ो एक नजर भी नहीं मिलाई मैंने आप। अरे मैं तुमसे यही बात तो कह रही हूँ, पहले तुमने ही कह दी, मगर आप सुन लो। हाँ तुम्हें पता भी है मेरी जुठानी कितनी मक्कार है। वो तो मैं जानता हूँ वो कितनी मक्कार है। उसने मुझे 5 दिन तक कमरे में बंद करके और हाथ पैर मेरे रस्सी से बांध दी। अरे कि तू घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। अरे इतना परेशान किया मुझे। अरे तो रो क्यों रही हो, एक बड़ा सा डंडा ले लो अपनी जिठानी में, धैलट। मानो मुझे इतना दुखी करती है इतना कि बहुत ज्यादा, अगर मैं नया काम ना करूँ ना बस उसी दिन कमरे में मुझे बंद कर देती है। अच्छा हाँ रो क्यों रही हो, पैसे वैसे तो नहीं चाहिए और पैसे दिक्कत हो, पैसों एक रुपया छोड़ती नहीं है मेरे हाथों में, 10 रुपया भी कभी कुछ लेके भी खा लूं। रो क्यों रही हो, अरे रोना तो क्या करूं, सुनो एक एक पैसे से मोहताज रहती हूँ, 10 रुपये भी मेरे हाथ में नहीं रहते जब तक सब छीन लेती है। कनास मिट्टी करम जली बढ़ जाए, करम जली और बहुत बड़ी जली, ये तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे लाया हूँ, तुम पैसों की वजह से तो फिक्र ही मत करो। अच्छा हाँ ये लो, ये तुम ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, नहीं तो मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो बस कोई होना भी नहीं चाहिए मेरे सिवा। अरे कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, बस 10,000 रुपए हैं। मैं तो बस दुखी थी तो तुम्हें याद कर रही थी, बस मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। नहीं मैंने तो खोज लिया तुमको, बस और क्या, अब मैं कब आ जाऊँ मिलने, तुम और क्या, तुम कल आ जाना। कल कितने बजे? कल 12 बजे। 12 बजे? हाँ। अच्छा मैं बताऊँ? हाँ बताओ। 12 बजे का टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो 12 बजे तक चली जाएगी मेरी वो जिठानी। अच्छा वो जा रही है पीहर घूमने। हाँ वो बड़ी पागल है, उसका जाना बहुत जरूरी है, जाना जरूरी है, वो चली गई। अच्छा, तो हम मिल लेंगे, अगर नहीं गई तो नहीं। ठीक है ठीक है, तुम पैसे रखो। हाँ ठीक है ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, मिल लूंगी कल। पैरों में दर्द हो रहा बहुत तेज। राम राम साहब। राम राम तो ठीक है, ये बता तू इधर से कहाँ से आ रहा है? तुम बेशक बड़ी हो गई हो पर वही बात बालकों जैसी। अरे मैं अपने वो लेने गया था घर में, मेरे चूहे हो गए ये बड्डे बड्डे, मैं उन्हें लिए ये बड्डा वो लेने गया था, वो जिसमें बोलते हैं वो चूहे को घुसते जो से क्या बोलते हैं, चूहेदान। चूहेदान हाँ वो लेने गया था मैं तो। किधर से? ये गली, मैं सोच रहा था ये गली बंद है तो इस गली को फलांग के जाऊंगा, उस पर दीवार पे से फलांग के क्यों जाएगा? अरे फिर बहुत लंबा रास्ता पड़ता है यार, समझती हो नहीं हो बात को तुम। हाँ तो सब जानती हूँ, चल निकल। हाँ तो रास्ता लंबा नापो अपना। मैं तो नाप ही रही हूँ पर तू जाग मत जाइयो यहाँ। जागूंगा ऐसे ही जागूंगा बेटा, कोई ना कोई चक्कर तो है। हो कहाँ हो, अरे कोई है क्या? अरे तुम आ गए, तुम्हारी सूरत देख के तो समझ लो दिन गार्डन गार्डन। अरे फिर कोई दिख लगा, अंदर चलो। अरे अंदर चलो, अंदर बाहर खड़े हो कैसे चिल्लाते हो, तुमसे कितनी बार किया है मैंने कि मतलब इतनी जोर से मत चिल्लाया करो, मरवा हुए क्या? अरे नहीं चिंता मत करो, अब वो कहाँ गई है तुम्हारी मोटी मोटी? हाँ बस अब अभी निकल के गई है, वो फूल फूल का गुब्बारा हो रही है, वो कभी फूटेंगे नहीं फूटेंगे कभी। अरे कम मरेगी पता नहीं। अरे बताओ मत यार, जे भी मर जाए चैन मिल जाए। मैं ये क्या डंडा कौन मार रहा है दीवार पर? बेटे तुझे तो मैं देखूंगी, यार के साथ अय्याशियां कर रही थी। नहीं अंदर मत जाइयो, बाहर निकल गया, चुपचाप आ जा। क्यों रे, मैं जब ही तो सोचूं कि आखिर में तू जाता कहां है, इसके साथ आता अपनी। जी मैंने नहीं बोला, घर में घुसा आया तो घर में आज मौतम। अरे भैया बता रहा हूँ
और बढ़िया हो? बहुत बढ़िया है भैया। कहाँ जा रहे हो, गाने उड़ा दूँ? आज तो उड़ाने का समय है यार। कहाँ जा रहे हो आज तो? मतलब हमसे पूछ रहे हो, तुम बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बड़ी हालत में। अरे कैसी कैसी हालत में? एकदम बहुत बढ़िया हालत लग रही है तुम्हारी। बढ़िया ऐसा लग रहा है, बहुत सो के आए हो। सुनो, अपनी महबूबा के पास से आया हूँ, तुम्हें पता नहीं है? वो मैं जब ही कहूंगी, मतलब सुगड़ा सुगड़ कैसे रहा, मतलब एकदम सुगड़ गया इसलिए कि मैं जब समझ लो मैं तो सोया हूँ वहाँ पे बिस्तर में पड़ के, एकदम खाया है मैंने, इतना खाया है कि चूतर सूज गए मेरे। अच्छा हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है, तुम ऐसा नाम ले रहे हो यार। तो क्या करें बताऊँ, मैं भी दरअसल एक ऐसे ही प्लान से जा रहा हूँ। अच्छा, इसी गली में तो जा रहे हो ना? अपनी महबूबा से मिलने जा रहा हूँ। इसी गली में? इसी गली में, वो कोने वाला घर है ना। हाँ हाँ, और मेरी महबूबा का उसी में मेरी महबूबा रहती है। बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं। हाँ, खातिरदारी में कोई कमी नहीं भाई साहब। तुम जाओ एक बार और देख के आओ ना, चख के आओ। वैसे मैं तभी सोच रहा था यार, मेरा दोस्त इतना मतलब पावरफुल बेहतरीन तरीके से लग रहा हूँ ना। चल वो तो गाल पर थोड़ा वो नहीं हुई है मेरी, नहीं तो मुंह फूल जाते हैं पुआ से। अच्छा चल, मैं जा रहा हूँ यार। हाँ, गाल पर करवाना जो करवाओ। हाँ बेटा जा, खाए क्या रसमलाई? आज तेरे चूतर के बाद सफाई ना भाई, तो नाम मेरा सबका नहीं, देख ले। अरे कहाँ गई हमारी मोहतरमा? मैं क्या है वही कौन वही? अरे तुम आ गए? हाँ भाई, 12 बजे तो बुलाया था कि आ गए। ऐसे मुंह बना रही हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा महारा युद्ध हो गया यहाँ पे। तुम ऐसा करो, यहाँ खड़े मत हो, तुम अंदर बात करते, चलो अंदर चलो। चलो चलो, तो तुम अंदर आ गए, अब मुझे सुकून मिला है। बाहर तो ये लग रहा था कोई देख ना ले, बहुत डर लगता है मुझे, डर। अरे डर वर छोड़ो, तेरी हर अदा मुझे कह रही है कलाइजा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, बहुत अच्छी लग रही हो। सिंगर अच्छे हो पिछले जमाने के सिंगर है तुम? हाँ, और मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गलत टाइम पे गलत जगह आई थी तुम। मैं गलत जगह पे आई हूँ और क्या? मुझे पहले ही सकता तुम लोगों पे कि तुम लोग यहाँ करते क्या हो। अच्छा, दो दो हिलंदे फंसा रखे हैं अपने आदमी से, तेरी हवस में घुसती है तुम। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। अरे मेरे पैसे मैं बावली हो रहा है, मेरे पैसे इस पे। बावली औरत किससे कह रहा? बावली होगी तेरी अम्मा इधर। अरे तुझे बता, अरे मैं छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, निकल निकल यहां से। मेरी जान बचे, मैं बच गई। जान बची तुझ में? तू ना मानी हैं ना, तू ना मानी? नहीं नहीं, मार रहा मत, मार मत, मत मार मत। तू ना मानी इतने पे भी मार रहा मत, है ना? चल मार, निकल निकल मेरे घर से। तेज लगती है? नहीं नहीं नहीं, निकल ले, मत ले, मैं तो कहां जाऊंगी? निकल, नहीं नहीं, रुक जा, अब आ रही हूं, मैं रुक जा। रुक जा, अब क्यों रुके गई है? पकड़ इसे, पकड़ इसे और निकल, चल निकल मेरे घर से। अरे अरे हेमा मालिन, हमारी महबूबा कैसे रो रही हो? अरे तुम्हारी महबूबा बेकार हो गई, कहीं की नहीं रही है। का वो तुम्हारे साथ? हे भगवान उठा ले मुझे। अरे अरे अरे, कैसी कैसी बातें कर रही हो? हाँ जीना नहीं, मैं कोई बात तो बता, बात कह गई, मरने जा रही। रोते नहीं है, अच्छे बच्चे रोते हैं, रो मत, बात ना, बात क्या होगी? तो क्या करूं, कुआं पोखर में मर जाऊंगा जाके। मेरा तो कोई है ही नहीं, अकेली हूं मैं तो, कुछ भी एक पैसा नहीं, मैं तो जा भी नहीं सकती, कहीं नहीं जा। पैसा वाली बात है, पैसा लो तुम, पैसे लो, पैसे लो, बात बताओ, मैं बात क्या हो गई? बात बताओ, क्यों चिंता में हो तुम? पैसे रो रही हूँ। हाँ पैसे रखो तुम, रख लिए। अब बताती हूँ, बात बताओ। अरे वो किसी के गांव के आदमी ने कह दिया कि मैं तुमसे बात कर रही थी। अरे उसने जाके घर पे मेरी जेठानी से चुगली कर दी, झूठी सांची बढ़ा दी उसने, और मेरी जेठानी इसी बात में मुझे मार पीट के बाहर निकाल दिया। तो बड़ा गलत बात, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई है ही नहीं। अरे अरे, हमें रहना तुम्हारे हमारे साथ, चलो हमारे घर रहना तुम। अच्छा, तुम्हारी जेठानी को भी देख लूंगा, सबको देख लूंगा, ससुर वगैरह कोई भी आ जाए तुम मुझे रख लोगे? क्यों नहीं रखेंगे, हमारी तो वैसे भी शादी नहीं हुई, ऐसी हम रड हुआ है। चलो तुम हमारे साथ चलो, आओ चलो 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 चलो, तो हमारे संग चलो, चिंता मत करो। अच्छा, अब तू जाके भी संग, तेने इसके भी संग थुका लिया है? तुम कौन हो? तू तो इतनी नाखंडी निकली कि जब तू अपने आदमी की सगी ना हुई, तूने दो दो करे गांव में। अरे अब ये पकड़ लिया तूने? हमारी महबूबा को गाली दे रही हो तुम? एक मारूंगी थप्पड़ खींच
कैसे मारोगी? चुप रहे। दूधिया के हाथ लगा दूधिया चूतिया भूतिया ना यानी कौन कौन देखे मैंने, ठीक है ना? और सुन बेटा तू लेके तो जा रहा है? हाँ लेके जा रहे हैं, हम प्यार करते हैं। कमर पक्की कर लियो, ये तुझे भी छोड़ के भागेगी देख लो। हाँ जब ये अपने आदमी की सगी ना हुई तो तेरी हो जाएगी। अरे मुझसे गई तो जग से गई। बात कर रही है, ये मेरा आदमी है, ठीक है? मैं से शादी करने वाली हूँ। अभी क्या नहीं, लेकिन हाँ आप कर लूंगी। आदमी किन की औरत बनेगी ये बता दे, किस किस की औरत बनेगी? मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने वो घर छोड़ दिया, आदमी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब मैं ये पति है, इनके घर रहूंगी मैं। अब इसके बाद फिर और कोई पति होगा? अरे क्यों होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे नहीं मेरा तो यही पति है, यही परमेश्वर है। कोई कमी रखेंगे तभी तो, पूरे दिन काम करवा रहे थे बेचारी। अरे तुम जाओ, निकल इसे यहाँ से, तुम जाओ। मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। अरे पूरे दिन परेशान आ जाऊँगा, निकल जा। हाँ इससे आग बुझा लियो अपनी।